अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी नुस्खे में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। मैं आज आप उन दोस्त भाइयों के लिए बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ, जिन मेरे भाइयों के नफ्स में तनाव कम है, टाइमिंग का मसला है, जिनका नफ्स छोटा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा और घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ। नुस्खे की जानब बढ़ने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ही अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को सेंड करूँगा, फिर आप मेरे साथ जो भी मशवरा करना चाहते हों वो मशवरा कर सकते हैं। जिन भाइयों ने मेरे ने बचपन में बड़े होकर मुस्तैनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिनके नफ़स में कमज़ोरी है, उन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास और अच्छा नुस्खा है। चलिए नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। आपने सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लेना है आपने जैतून का तेल और एक प्याज। आपने सबसे पहले ये करना है, रात को सोने से पहले आपने जैतून के तेल की अच्छे से अपने नफ़स की मालिश करनी है, आगे वाला हिस्सा छोड़ के। पीछे वाले हिस्से से लेकर नीचे वाले हिस्से तक आपने अच्छे से मालिश करनी है। ये मालिश आप 2 से 5 मिनट तक करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनका सबका फ़ायदा है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। मेरे प्यारे भाइयों ने रिक्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। आपने मैं आपको करके बताता हूँ। आपने ऐसे तेल लेना है, इसके साथ ऐसे मालिश करनी है और ख़ूब अच्छे से मालिश करनी है। इतना ज़ोर नहीं लगाना कि नफ्स को नुकसान हो। आगे वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है और पीछे वाले हिस्से पे आपने अच्छे अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने रात को सो जाना है। आप जैसे सुबह उठें वजू करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, जब वॉशरूम में जाते हो, आपने एक प्याज लेना है। उस प्याज को आपने काट लेना है, मैं आपको काट कर बताता हूँ। आपने उस प्याज को काट लेना है, काट के उसके 2 हिस्से हो गए। आपने ये प्याज किसी चीज़ के साथ इसको ब्री कर लेना है छुरी के साथ, या फिर इसी के साथ इसके नफ्स की आपने ऐसे ऐसे मालिश करनी है। अगर ब्रीक नहीं कर सकते कोई तो आपने ऐसे ऐसे इसकी मालिश करनी है। सुबह जब वॉशरूम में जाओ उससे पहले आपने हल्का सा उसको धो लेना है, वॉश कर लेना है, फिर आपने इसकी मालिश करनी है। ये आपने मालिश करनी है, ये आपने 10 से 15 दिन तक इसकी मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा नुस्खा आप भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देसी नुस्खे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी फिर नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।